नमस्कार दोस्तों, हर राज्य धर्म और समाज की शादी से जुड़ी कई तरह की परंपराएं होती है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी शादी से जुड़ी कई अजीबोगरीब रस्में हैं जिन्हें लोग आज भी निभाते हैं। वहीं भारत के मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित आदिवासी अंचल में विवाह का जो तरीका आज भी चलन में है उसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। बता दें कि हरदा के आदिवासी अंचल में रहने वाले युवक युवती अनोखे तरीके से अपनी शादी की रस्में निभाते हैं। जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल में स्थित मोरगणी गांव में हर साल दिवाली के एक सप्ताह बाद एक अनोखा मेला लगता है। इसमें बड़ी तादाद में आदिवासी युवक युवतियां शामिल होते हैं। ठीठिया बाजार नामक इस मेले में युवक और युवती अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। दरअसल यहाँ पर ऐसी परंपरा है जिसके तहत लोग अपनी पसंद का साथी चुनने के बाद एक दूसरे को पान खिलाते हैं। मोरगणी गांव में वर्षों से चली आ रही ये परंपरा, सारा दिन मेला घूमने के बाद युवक और युवतियाँ एक दूसरे को पान खिलाकर अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। वहीं पान खिलाने के बाद ही शादी की भी घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद दोनों अपने घर के लिए चले जाते हैं और शादी की जानकारी लड़के के घर वालों को पहुँचा दी जाती है ताकि परिवार वाले लड़की के लिए लड़के की खोजबीन ना करें। तो दोस्तों, आपको ये अनोखी परंपरा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।